मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट द यूनिट नंबर 8, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। जो फंडामेंटल होते हैं एनाटॉमी के, बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। स्पोर्ट्स में जो फंडामेंटल होते हैं एनाटॉमी के एंड फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी के। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी पर। अवर बॉडी इज कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। गुड वर्किंग ऑफ बॉडी कॉन्स्टेंस ऑफ प्रॉपर फंक्शन वेरियस सिस्टम विच मेक मैन मोर इफिशियंट। ईच सिस्टम्स कॉन्स्टेंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, एक एक सिस्टम्स जो होता है बहुत सारे ऑर्गन्स रखता है। ऑर्गन्स कॉन्स्टेंस वेरियस टिश्यूज, जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज कॉन्स्टेंस मैनी सेल्स, जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। Each system consists of various organs. Organs क्या होता है? Various organs, ठीक है, okay। Organ and now organ consist, organ consist of various tissues of वेरियस टिश्यूज। जो हमारे बॉडी सिस्टम होते हैं वो सब क्या वेरियस ऑर्गन्स को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत सारे टिश्यूज कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। Various tissues tissues consist various cells, various cells। Many cells, देखो प्रत्येक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ऑर्गन्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में बहुत सारी सेल्स होती है। इट इज द इंट्रोडक्शन, समझ लो इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड एनाटॉमी। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम बात करेंगे एनाटॉमी पे। एनाटॉमी, सॉरी फॉर लेट,
इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये किसकी ब्रांच होती है? ब्रांच ऑफ इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये किसकी ब्रांच होती है? विच स्टडीज द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. इसमें किसकी स्टडी होती है? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. It is the branch of biology which studies the human body structure. इसमें किसकी स्टडी होती है? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि स्केलेटन, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की बात होती है. The science provide us the details of human structure. जो साइंस प्रोवाइड करवाती है, क्या करवाती है? द साइंस प्रोवाइड आस ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. क्या प्रोवाइड करवाती है? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज सेफ एंड. और ये क्या प्रोवाइड करती है? सेफ करवाती है. सेफ बॉडी का सेफ एंड बॉडी के पार्ट्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. It is a branch of biology which studies the human body structure. इसमें human body structure की study होती है. This science provide us the details of human structure. ये जो science होती है हमें provide करवाती है details of human structure की. It's safe and interrelation of पार्ट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये बॉडी का सेफ और आपसी संबंध किसके वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी हमें बताती है साइंस. इट इज एनाटॉमी कॉल्ड एनाटॉमी. अगेन इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. दिस साइंस प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर इट्स सेफ एंड इंटर रिलेशन of various parts of body. This is called anatomy. And now, अब हम बात करेंगे physiology. ये तो बात हुई थी हमारी body anatomy पर, जिसमें हमारी study होती है human structure पर. अब हम बात करेंगे physiology पर. फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इट इज साइंस बेस्ट डील्स विद द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. ये कौन सी साइंस होती है? साइंस, इट इज साइंस, साइंस साइंस विच डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन
functioning of various organs or systems or systems and their relationship their relationship with other organs with other organs and their effects okay. It is the science which deals with the function of various organs. ये किसके साथ deals करता है? Various organs के साथ और various systems के साथ और उसके साथ interrelation और relations के साथ with other organs, एक दूसरे के organ के साथ और उसके क्या effective होते हैं. It is the science which deals with the function of various organs or systems, their relationship, उसका relation क्या है एक दूसरे system से with other organs, एक दूसरे organ से and their effects और उसके effects क्या है. This is called physiology. This is called physiology. This is called physiology. In other words, दूसरे वर्डों में In other words, physiology is the science of mechanical, physical, bioelectrical and biochemical functions of human organs and the cells which they are composed. जो सेल्स दूसरे वर्डों में इन अदर वर्ड्स फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैकेनिकल जो साइंस है फिजियोलॉजी क्या है एक मैकेनिकल है फिजिकल बायोइलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ये बायोकेमिकल ये कौन कौन से फंक्शन होते हैं मैकेनिकल फिजिकल बायोइलेक्ट्रिकल बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स द सेल्स ऑफ विच दे आर कंपोज जिनसे वो सेल्स बनी हुई होती है दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी इन अदर वर्ड physiology are closely interrelated field anatomy or physiology hai jo closely ek dusre ke sath interrelated hai usi field mein and they help to understand the structure aur wo structure ko samajhne mein help karti hai functions ko body functions ko samajhne mein help karti hai anatomy and physiology are physiology are closely interrelated field
field and help the understanding and help to understanding help to understanding the structure and functions of body. Functions of body. एक दूसरी का anatomy और physiology का closely interrelated है उसी field में, जो help करता है किसको समझने में, body के structure और function में. तो this is called anatomy and physiology. ठीक है, today's topic is finished. Okay, thank you, goodbye, have a nice day.